का लग गया आपको। ओके। जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, नमो अरिहंताणं, नमो नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वसायाणं, नमो लोए सवसाहूणं, ऐसो पंचन मुकारो, सव पावक पणासनो, ओ मंगलाणं च सवेसिं, परमं मंगलम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो नमो वसायाणं, नमो लोए सवसाहूणं, ऐसो पंचन मुकारो, पावक पणासनो, मंगलाणं च सवेसिं, परमं हवै मंगलम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। तो हनुमान जी, हम प्रार्थना सुनेगा, सम्यक कठोर है आज। जय सच्चिदानंद हसमुखानंद जी। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मेरे देखो यानी पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा मदद रूप हो। मैं पूरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा।
कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार, यानी जीव मात्र के लिए सेवा के लिए ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने और स्वयं के साथ और सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठा, सिंसियर मोरल और प्योर बना रहूंगा, ताकि बराबर दादा भगवान जैसा परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। इतना ग्रेड मिलेगा आज प्रेयर में सम्यक सम्यक विधि दीदी कितना मार्क देगा आज उसका प्रेयर में आज? हाँ, और दीताक्षी बा आप प्रेयर में तो किसी के साथ बात कर रही थी, तो ये बच्चे लोग ये सत्संग में थोड़ा ध्यान से आने का और फोकस से आएगा तो दादा को बहुत हेल्प होगा। ओके ओके अश्विनी जी, हम थोड़ा होमवर्क चेक कर लेते हैं, एक होमवर्क नहीं एक्सपीरियंस उन लोग का चेक करेंगे। ओके आपका दादा का ज्ञान में कैसा एक्सपीरियंस है देवम? हाँ, तो मैंने नहीं किया था। हाँ? आज मैंने दादा के ज्ञान में सिंसियर नहीं रहा था क्योंकि मैंने सब साधन आज नहीं किया था, और मैंने मम्मी पापा के पैर छुए थे सोते पहले और उठते वक्त। ओके, आज विधि क्यों नहीं की थी? आज मैं बाहर गया था और फिर मैं आया तो फिर मैं खेलने चला गया, फिर मैं लेट आया, उसके बाद सारा बैठा और आप बाहर गया था, कार में गया था कि साइकिल पे गया था? कार में। तो कार में बैठ के क्या नहीं हो सकती है? हाँ। तो उसको सिंसियरिटी बोलता है। हाँ, अब से कार में बैठूंगा, तब कर लूंगा जब बाहर जाना होगा। हाँ, वो ध्यान रखने का, सिंसियर रखने का। ओके, खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मैंने आज विधि नहीं की थी, सिर्फ आरती ही की थी। क्या हो गया आज को विधि का, क्या हो गया? आज कुछ टाइम नहीं मिला? नहीं, टाइम मिला था पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ, तो ऐसा बोलने का, आज मैं इनसिंसियर रही उसमें ऐसे बोलने का, तो खुशी को मालूम पड़ेगा कि इनसिंसियरी सिंसियर क्या है। विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैं दादा के ज्ञान में सिंसियर रही हूँ, आज मेरा 27 आउट ऑफ 24 है। और मम्मी ने पढ़ने का बोला था? नहीं, आज मम्मी ने नहीं बोला, मैं अपने आप बैठ गई थी पढ़ने। सम्यक। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने सब साधन की थी और मैंने दो बार कलम नहीं की थी, एक बार की थी और दो बार नहीं की। क्या क्या नहीं की थी? दो बार नौ कलम बाकी है, वो कर लूंगा। अच्छा, अच्छा, और नम्या? तो आज मैंने त्रिमंत्र तो किया था लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए मैंने बाकी सब भूल गया। तो तबीयत कभी अच्छा नहीं रहता है तो श्रेया क्या करना, दादा को भूल जाने का? श्रेया नहीं, दादा को याद करने का। तबीयत अच्छा नहीं हो तो बहुत करने का दादा को, तो जरूरत हो जाएगी। आपने क्या किया श्रेया? मैंने प्रार्थना किया कि हे दादा भगवान, मेरा तबीयत ठीक हो जाए, ऐसी परम कृपा करना। ओके, और आज सब किया था सत्साधन? आरती नहीं किया था पर
नौ कलम करा था। ओके प्रहर। जय सच्चिदानंद, आज मैंने 14 आउट ऑफ 17 सत्साधन किए थे और आज मैं सिंसियर था। ओके हिता शिवा, आज मैंने मम्मी पापा के बेच हुए थे। ओके मम्मी ने बोला अपना पढ़ता था स्टडी करने के लिए मम्मी ने? हाँ। क्यों आप अभी बड़ा हो गया कि छोटा हो गया? है ब्रह आप दिन से दिन छोटे होते हैं कि बड़ा होते हैं? गीताक्षी बा जय सच्चिदानंद, आज मैंने पूरी चरण विधि की है और पढ़ने से पहले मैंने प्रार्थना की है। वेरी गुड मोनिका। आज दादा भगवान के ज्ञान में सिंसे नहीं ली थी। क्यों? मैंने आज दादा भगवान ज्ञान में सिंसे नहीं ली थी क्योंकि मेरा गोल था कि मैं 22 सत्साधन करूं पर मैंने सिर्फ 21 किया था। क्यों खाने का टाइम मिला था? अभी तक नहीं मिला है। Okay, दादा का टाइम नहीं मिलता है, खाने का टाइम मिलता है। वेरी गुड खुशी। हाँ मैं आज सिंसियर नहीं रही थी सत्साधन में, मैं मुझे 18 टाइम्स बोला था, मैं उसमें 14 टाइम्स बोली। ओके करिश्मा। हाँ आप सत्साधन करती है, तीन मंत्र बोलती है? हाँ। दो कलम बोलती है? हाँ। कितना बोल सब किया था आज? एक टाइम किया था। ओके ओके दीपकांत जी आप बोलिए, बाद में हसमुखांत जी बोल रहे क्या कि ये इम्पोर्टेंस क्या है सब सच साधन का, और हसमुखांत जी बताएगा। दीपकांत जी ओ एक कश्यप बाकी है, एक मिनट कश्यप भाई। हाँ जय सच्चिदानंद, मैं आज दादा भगवान के ज्ञान में 22 आउट ऑफ में से मैं 22 टाइम्स सिंसियर रहा था। ओके वेरी गुड देवकाल जी। जय सच्चिदानंद, ये जो हमारी विधि है वो विधि की आवश्यकता बराबर पक्की कर लेनी है। जैसे हम अभी ये कंप्यूटर के सामने या फोन के सामने जूम पर आते हैं तो बाल बनाए बगैर आते हैं कि बराबर बना कर आते हैं? बराबर बना कर आते हैं। उसमें मैंने आज तक कभी भी किसी को बाल बनाए बगैर आए देखा नहीं है, एक्सेप्ट वो दिव्या है ना, वो ऐसे आ जाती है, लेकिन फिर भी एक बात है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें हमारे आउटलुक की पड़ी है, बहुत पड़ी है कि मैं कैसा दिखूंगा, सब लोग देखेंगे तो क्या मानेंगे, क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। दूसरों को दिखाने के लिए हम बड़ी आसानी से ये सब कर लेते हैं। बाहर जाते हैं तो ढंग के कपड़े पहनकर जाते नहीं है? क्योंकि लोगों को दिखाना है, लोगों को दिखाने के यानी लोगों को हमारा सही पिक्चर पड़े उसके लिए हम जागृत है, लेकिन हमारा खुद का पिक्चर कैसा पड़े वो तो इम्पोर्टेंट है ना। तो इस तरह से हमें अपने आप को पकड़ना है कि बाहर दिखावा करने के जितना महत्व है उससे कई गुना महत्व हमारी विधि का है कि जो प्रार्थना से हमारा व्यवहार पक्का हो जाएगा। किसी कोई बोलते हैं, कोई डांटते हैं, कोई टोकते हैं तो अच्छा लगता है? नहीं, नहीं। अच्छा लगता है। तो बाहर ड्राइव करने गए और वो पुलिस वाला पकड़ कर टिकट देता है तो अच्छा लगेगा? नहीं, वो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने गलती की है। तो ये विधि से हमारा व्यवहार परफेक्ट हो जाएगा। तो यही ऐसा है ना, ये समझ पक्की होती जाएगी अपने आप। जैसे बाल बनाने को भूलते नहीं है,
कभी मैंने किसी को भी बाल बनाए बगैर आए तो नहीं देखा। वो छोटी करिश्मा भी बराबर बाल बना के आती है, बोलो। ये श्रिया भी बाल बना कर आती है, बोलो। यानी ये अपने आप को समझाना है हमें कि इसकी वैल्यू क्या है। शक्ति मांगेंगे वो अलग बात है, लेकिन जब ही हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी तो ये विधि कभी मिस करेंगे ही नहीं हम, कि ये तो करना ही है। जैसे स्नान हम कभी मिस नहीं करते हैं, बाल बनाना मिस नहीं करते हैं, खाना मिस नहीं करते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें उसकी महत्वता बराबर पक्की समझ में आ गई है। तो इसको भी हमें इस तरह से समझ लेना है कि अगर वो सब चीजें महत्व की है तो ये तो सबसे महत्व की बात है। इसलिए दादा भगवान ने क्या कहा कि विधि पूर्वक यानी विधि के साथ कोई भी काम किया जाता है ना, वो परम सिद्धि को हासिल करवाता है। उसका मतलब क्या है, जो काम करने हम निकले ना वो पूरा होगा। ये विधि का इतना जबरदस्त बल है, ताकत है, और विधि के पीछे हमारी भावना है, हमारा निश्चय है, दादा से प्रार्थना है। क्योंकि कोई भी हम तय करते हैं गोल, ध्येय नक्की करते हैं ना, तो वहां पहुंचने के लिए हमें जो साधन चाहिए, जो शक्ति चाहिए, जो समझ चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, उसकी हम प्रार्थना कर लेते हैं, फिर अपने आप हमारा ध्येय को हम पहुंच जाते हैं, हम प्राप्त कर लेते हैं। तो भी ये समझ है, अपने आप को समझाओ। जैसे मैं आप लोगों को समझाता हूं वैसे मैं अपने आप को समझाता रहता हूं, क्योंकि जब मैं अपने आप को समझाता हूं ना तो पक्का समझ लेता हूं। कोई और समझाता है ना तो ऐसा सोचता हूँ, ऐसा सोचता हूँ, बातें कर लेता हूँ, इधर उधर देखता हूँ, होता है ना ऐसा। क्योंकि कोई बोलते है ना तो हमें अच्छा लगता ही नहीं है, कोई टोके तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगे, कोई गुस्सा करे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगे। तो अपने आप से जैसे हमने वो बात की है ना, आईने के सामने जाकर हर रोज 10 मिनट पर्सनल मीटिंग रखो अपने, रखेंगे आप? हाँ। उनको जो अच्छा अच्छा करते हैं, सही करते हैं, उसकी प्रशंसा करो कि आपने ये इतना अच्छा किया, ये अच्छा किया, ये अच्छा किया। विधि कैसे भूल जाते हो आप? ये ठीक है, अंदर के दादा भगवान तो जानते ही नहीं है ना कि हमने विधि की या नहीं की। किसको पता चलता है? अंदर के दादा भगवान को पता चलता है? पता चलता है? श्रिया श्रिया ना बोलती है, पता चलता है? वो अंदर वाले मम्मी दूसरे रूम में है तो हमको पता नहीं चलेगा कि हमने विधि की न की नहीं की, लेकिन अंदर वाले दादा भगवान तो कभी हमारे से दूर होते हैं? नहीं, कभी तो दूर होते होंगे। बोले मैं थक गया अभी जाओ आप बैठो मुझे जाने दो करके, नहीं कभी नहीं, कभी नहीं। देवम भी ऐसा बोलता है? हाँ, कभी भी जाते नहीं है भीतर वाले दादा भगवान? नहीं जाते। अभी आप सोचो कि भीतर वाले दादा भगवान कितने सिंसियर है। हाँ। कि वो हमें देखने का बिल्कुल चुकते नहीं है, नहीं करते है। तो उनको उनकी सिंसियरिटी को देखकर अभी आप एक और देखो, ये आईना होता है ना सभी के बाथरूम में होता है, बाहर भी होता है, वो कबर्ड पे भी होता है। कभी आईना बोलता है अब ये दिखाते दिखाते थक गया हूँ, हटो मेरी नजर के सामने से, ऐसा बोलता है कभी? कभी नहीं बोलता है। ऐसा है क्योंकि उसका स्वभाव है। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई कलर लग गया हो तो फिर वो आईना दिखा पाएगा? नहीं। ये है प्रॉब्लम, ये हमारे हमारी समझ पर ऐसा वो कलर लग गया है, तो वो कलर को हमें मिटाना है और हमें अपने आप को हेल्प करना है। तो आप लोग तैयार है ना? रेडी? बिल्कुल हाँ रेडी। कितने स्ट्रॉन्ग है आप? ठीक ठीक कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। तो शास्त्री जी क्या बोलते हैं? वो तो म्यूट करके बैठ गए हैं।
खुशी अहमदाबाद की भी नई स्ट्रॉन्ग है, नई स्ट्रॉन्ग हो, आपने कुछ बोला नहीं, बोलो ओ शास्त्री जी, क्या बोलते हैं शास्त्री जी, तो पावरफुल नहीं होते शास्त्री जी, होते नहीं दीपक दादा, दीपक दादा वो तो दिन से दिन छोटा हो जाता है कि मम्मी को सब उसको बोलना पड़ता है। अच्छा अभी आप समझिए, तो हर रोज 10 मिनट्स की मीटिंग आईने के साथ रखो, सेल्फ मीटिंग बोलो और अपने आप से बात करो, और वो उसका मीटिंग का अहवाल लिखने का अपने डायरी में कि आपने उनसे क्या पूछा क्या कहा करके, बहुत मजा आएगी। फिर और कोई बोलेगा ना तो आप बोलेंगे मुझे पता है ये मेरी गलती है करके, वैसे तो आप बता ही देते हैं, समझ गए आप। तो अपने आप को पुष्टि देना सीखो अभी हमें, हम तो बोलते ही रहते हैं और आप बताते रहते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आरुष हम आपको भूल गए, आरुष और नेमिल के बाद की बात, आरुष आरुष ओके नेमिल, हेडफोन निकालो आरुष, अब बोलो, अभी क्यों नहीं आता है, निकालना वो बाहर, ओके तब तक नेमिल बोलो आप, मैं भूल गया था आपको। हाँ आज तो मेरे 30 में से 0 है। आपकी आज दीपिकांत जी आज सब दे सब आज 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 हॉलिडे है ना, आज कौन सा आज रविवार है सबका, नहीं नहीं हाँ, तो आज खाना भी नहीं खाया होगा, स्नान भी नहीं किया होगा, बाल भी बनाया नहीं होगा, सब किया था। जो कायम हाजिर रहते हैं वो दादा भगवान को कैसे भूल जाएंगे हम, अभी पक्का कर लो ओके, मीटिंग करो आईने के साथ सामने रोज मीटिंग करो 10 मिनट, और अपना परफॉर्मेंस जो हुआ वो रिपोर्ट लिखो, समझ गए। हाँ समझ गया, लिखेंगे ना कि डर लगेगा, लिखेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, जय सच्चिदानंद। और अभी शैलेश दादा आया था, उन लोग उनने बताया था कि त्रिमंत्र का मीनिंग बताया था, सबको मालूम है कि त्रिमंत्र बोलते हैं तो किसको टेलीफोन करते हैं हम, दादा भगवान को, सब त्रिमंत्र में नहीं। पहले त्रिमंत्र का क्या होता है, ओम नमो नमो मित्रागण, और बाद में अरिहंत, अरिहंत हम बोलते हैं तो किसको टेलीफोन करते हैं आप, अरिहंत भगवान, वो कौन है आपके लिए, सिमंदर स्वामी, थैंक यू। और नेक्स्ट वन नमो सिद्धानम, किसको आप टेलीफोन करते हैं, सिद्ध भगवंतों को, भगवान को। नेक्स्ट वन नमो आयरियाण, किसको टेलीफोन करते हैं आप, आचार्य आचार्य भगवंतों के लिए कौन है, नमो उवजायन, नहीं आपके लिए कौन है आचार्य, कौन नहीं पता, हसमुख आनंद जी, ओके नेक्स्ट बाद में उसको टेलीफोन करते हैं आप, उपाध्याय भगवंतों को, कौन है उपाध्याय आपका के लिए, हसमुख आनंद जी ये बताओ सबको टेलीफोन किसको करने का है जब त्रिमंत्र बोल दे, अगर बात करें नमो लोए सव सावणम, हाँ बोलो किसको टेलीफोन करते हैं, हमें हम हमने जिन जिन पांच पांच को नमस्कार किया है उनको फिर से करते हैं, ऐसे पंचन मुक्कारों का मीनिंग ये है,
नहीं नमो लोए सव सावणम मतलब पांचवा बाकी रहा ना। नमो लोए सव सावणम का मीनिंग ये है कि जो लोग साधु संत है, साधु संत उसको नहीं कहते जो भगवे कपड़े पहन के फिरते हैं, साधु संत उनको कहते हैं जिनको पूरा ज्ञान होता है और होता है वो साधु संत। आपके लिए कौन है सब? महात्मा। वेरी गुड, दादा भगवान के महात्मा। वेरी गुड। ओके अस्मिता जी बोलो। ओके अभी आज पूरा जो हुआ सत्संग में अपने तो काफी लोगों ने वो विधि आज मिस हो गई, लगभग 8 से 10 जो थे इसमें से काफी लोगों की विधि मिस हो गई। तो जिनकी भी विधि अगर मिस हो गई है पर रह गया है तो सत्संग के पहला तो अपने उसके बारे में कुछ अफसोस हुआ कि नहीं हुआ है कभी, चलो मिस हो गए क्या नुकसान हुआ क्या हुआ, तो वो पहले अंदर चेक कर लेने की जरूरत है। बराबर है, अगर ऐसा लगता है कि विधि मिस हो गई और अपने का आज के दिन चलेगा कल मैं फिर से कर लूँगा, तो वो अंदर कोई ऐसा है जो अपने आगे भी विधि मिस करवा सकता है, तो उसके ऊपर जरा अपने ध्यान देके वो चोर को निकाल देने का है। बराबर, और पहला में पहली चीज क्या है तो के ये विधि क्या है, क्या सिखाती है हमको, तो के वो कोई भी चीज में अगर नियमितता होगी, क्या होगी? नियमितता। बराबर, तो वो नियम ही आगे अपने को मोक्ष में ले जाएगा। किसी भी चीज में अगर आप कोई भी एक नियम कर लेते हो जिंदगी भर, तो वो नियम अपने को आगे मोक्ष में ले जाएगा। दादा भगवान कैसा वचन है, तो अपने जीवन में एक ये विधि जो है वो अपने वो बांध लेने के, भाई इसके बगैर मैं ये नहीं करूँगा, वो स्टार्टिंग का स्टेज है। अगर ऐसे थोड़ा थोड़ा करके अपने ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे करके वो कंटिन्यूटी आ जाएगी, समझ गए ना अपने। तो नियमितता वो क्या करती है अपने, तो वो अपने को पोषण देती है। किसी भी चीज में अगर कोई चाहिए तो अपने को उसको क्या है, पानी पिलाना पड़ता है। तो जैसे जैसे रोज रोज विधि करेंगे तो शक्ति अपने में आती जाएगी और वो कंटिन्यूटी आगे बढ़ती जाएगी। एक मैं नन्ना सा उदाहरण देता हूँ। एक बार एक भाई ने, वो रेगुलर सत्संग में जाते थे, क्या करते थे, रेगुलर सत्संग में जाते थे 6 महीना। आपने जैसे जुम्मे चालू है तो कितने 6 महीने 1 साल से चालू है, बराबर है। तो उनके घर में उन्होंने, उनका जो वाइफ था उन्होंने पूछा कि आप रोज सत्संग में जाते हो तो आपको कुछ याद तो रहता है कि नहीं रहता है, आपने 6 महीने 1 साल से सत्संग में जाते हो तो आपको कुछ याद रहता है कि इसमें सत्संग में क्या हुआ था, महीने पहले सत्संग में क्या हुआ था, क्या बोलते हैं? आपको तो कुछ याद तो नहीं रहता, फिर क्या काम करता है सत्संग, कैसे काम करेगा? बराबर है। तो भाई क्या बोले कि भाई मैं सत्संग में भले इतने टाइम से जा रहा हूँ, मेरे को कुछ याद नहीं रहता, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि जब मैं छोटा था तब से मेरी मम्मी जो है वो मेरे को खाना खिला रही है और रोज क्या खाना खिला रही है वो मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन मैं अब तक जिंदा हूँ और अब तक रुष्ट पुष्ट हूँ वो किसके कारण है, तो कहे रोज खाना खाता था इसके लिए। तो फिर सत्संग वैसे ही है, सत्संग क्या है तो कि उससे जो अपने को पोषण मिला उसके आधार पे हम लोग आज ये इतना प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये विधि भी क्या है कि अगर अपने रोज रोज करेंगे, भले सुनने में याद नहीं रहेगा, लेकिन ये रोज रोज सत्संग अटेंड करेंगे, रोज रोज विधि करेंगे तो वो क्या देगी, अपने को पोषण देगी। जैसे बॉडी को जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए, सब अलग अलग प्रकार विटामिन ये सब चाहिए ना, वैसे विधि है वो सब क्या है, सत्संग है वो क्या है, अपने को याद नहीं रहेगा लेकिन वो अपने को पोषण, कुछ ना कुछ पोषण रोज का रोज देती रहेगी। तो पोषण रखने के लिए नियमित विधि और सत्संग दोनों जरूरी है। जैसे बॉडी का पोषण रखने के लिए रोज खाना खाते है कि नहीं खाते है? हाँ, तो वैसे ये अपने अंतस्करण का मतलब अंदर के चोरों से रक्षण के लिए अपने को क्या जरूरी है, तो के विधि
नियमित विधि और सत्संग, ये दोनों चीज की बहुत ही आवश्यकता है। भले अपने को याद रहे कम रहे या ज्यादा रहे, लेकिन ये रेगुलर अटेंड करने की जरूरत है। जिस दिन नहीं हुआ उस दिन क्या है, तो पहले अपने को खेद होना चाहिए कि आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। पैसे के नुकसान की अपने गिनती कर सकते हैं, लेकिन ये जो नुकसान हुआ है वो बाहर नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ऐसी समझ जैसे जैसे फिट होती जाएगी वैसे वैसे ये डेली अपने नियमितता में बढ़ता जाएगा। और जो अपने चोर कभी बोलते हैं ना अंदर, आज मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो क्या है, वो अंदर के चोर है। कौन है वो अंदर के चोर? हाँ, ये हिंदुस्तान की अपने आजाद हुए तो उसमें सबसे बड़ा योगदान गांधी जी का था। किसका था? गांधी जी का। गांधी जी का, तो गांधी जी के बारे में अगर आपने पढ़ा हो या सुना हो है, तो गांधी जी इतने बिजी थे बराबर, लेकिन वो उन्होंने एक टाइम फिक्स किया रखा था कि ये टाइम के समय मेरा विधि का मतलब वो जो आरती नित्य क्रम करते थे वो टाइम उनका फिक्स रहता था। तो इतने बड़े महात्मा गांधी होकर वो रेगुलर ये कर सकते हैं, तो अपने तो उनके जैसे तो बिजी नहीं है ना? ना। हाँ, तो महात्मा गांधी भी रेगुलर, उनके पास कोई भी एक बार तो इंग्लैंड का जो मेन वाइसरॉय था उनको गांधी आश्रम में मिलने के लिए आया था, और उनका टाइम 9 बजे का था। तो जैसे ही 9 बज गए उन्होंने उसको बोला मतलब आदर पूर्वक, तो मेरा ये विधि का टाइम हो गया है, मतलब वो जो प्रार्थना करते प्रार्थना का टाइम हो गया है, तो आप कुछ देर 20 मिनट बैठिए या फिर कल आइए, समझ गए ना? तो उनको यही नियमितता के कारण उन्होंने ये पूरी उनको अंदर की इतनी शक्ति मिलती थी कि पूरा देश को आज़ादी की ओर लेने के, बाकी हथियार बिगर और ये उसके बिगर ये जंग जीतना और अंग्रेजों को हराना नामुमकिन था। लेकिन यही एक कारण था, एक नियमितता था, और उन्होंने अलग 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 जो व्रत उनके रखे थे उन्होंने इतनी आंतरिक शक्ति उन्होंने अंदर प्रकट हुई कि उससे बिना हथियार के सब अंग्रेजों को निकाल दिया। बाकी अपने तो एक आदमी को भगाना चाहे ना तो नहीं भाग सकता, ऐसा है। तो कि ये नियमितता का उनके जीवन में भी था, तो वो नियमितता अपने धीरे 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 करके डेवलप करने की है। क्या करने की है? धीरे धीरे करके डेवलप, जहाँ चुक गए तो वहाँ अब तो होना ही क्या ही है, बराबर है। दीपक आनंद जी कुछ हो तो बोलिए, ऐड कीजिए। नहीं, बात सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है तो सब लोग डेली प्रे शुद्धात्मा के आत्मा की प्रार्थना करते हैं सब? तो उसका मीनिंग क्या है, क्यों करने का मालूम है सबको? विधि दीदी? हाँ, हमारे दोष देखने के, उसमें हमारे से हमसे जो जो मिस्टेक्स हुई है पूरे दिन में वो। गारन जी, शुद्धात्मा की प्रार्थना हम क्यों करते हैं? क्यों करते? तो अपने जैसे शाम को सोने के लिए अपने बिस्तर में गए, बराबर है, तो बिस्तर के अंदर कुछ कचरा पड़ा होगा, बराबर है, तो वो आप कचरे के साथ में सो जाओगे कि फिर बिस्तर साफ करके सोओगे? हाँ, बिस्तर साफ करके सोते हैं ना, तो फिर वैसे ही, तो फिर ये मशीन के अंदर दिन भर अपने जाते पूरे रोज का व्यवहार में, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसमझन रूपी कचरा घुस जाता है। तो कचरा साफ करने के लिए क्या है, तो दादा भगवान ने बोला है कि ये शुद्धात्मा की प्रार्थना बोलोगे रोज शाम को। वो कचरा साफ करने में कितना टाइम लगता है, बिस्तर के ऊपर कचरा पड़ा हुआ है तो साफ करने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट भी नहीं लगते है। वो जैसे बिस्तर उठाया और ऐसे किया तो निकल गया, बराबर ना? तो उतना ही टाइम लगता है।
पूरा कचरा दिन भर थोड़ा थोड़ा करके जमा पड़ा होगा, जमा पड़ने में ज्यादा टाइम लगता है, निकालने में कम टाइम लगता है, बराबर है। तो वो दिन भर का कचरा जो अपने अंदर अनसंयोजन रूपी कचरा घुस गया है, वो निकालने के लिए दादा भगवान ने क्या बताया कि भाई रोज तू सोते टाइम ये प्रार्थना करना, और पूरे दिन में जितने भी अपने दोष हो गए उसको दादा भगवान के सामने माफ़ी मांग लोगे तो क्या धीरे धीरे करके वो दोष में से आप मुक्त होते जाएंगे, बराबर है। तो जैसे वो कचरा साफ हो गया फिर आपने पूरी रात भर आराम से सो सकते हैं कि नहीं सो सकते है? हाँ, तो वैसे ही अंदर जो कचरा पड़ा है वो एक बार सुख निकल जाएगा तो अंदर का सुख धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्या होगा अंदर का सुख धीरे धीरे बढ़ता हो जाएगा। तो ऐसे एकदम सिंपल वे में दादा भगवान ने जो आज तक कभी 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 इतने सिंपल वे में इतना आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान मिला नहीं है जगत को, लेकिन दादा भगवान की कृपा से सबको इतने सिंपल वे में और घर बैठे बैठे आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कर सकते हैं अपने, बराबर है। तो रोज ये करने का अपने को, रात के सोते टाइम वो चादर साफ करके सो जाने का, बराबर बराबर रजनी भाई, बराबर। हाँ और अब हाँ बोले दीप भाई जी, वो चादर तो मम्मी साफ करती है, अरे ये लोग थोड़ी साफ करते हैं, तो इन लोगों को खा मम्मी जी खाती है, उन लोग तो नहीं खाते मालूम है, तो मम्मी को गरज है ना इसीलिए मम्मी खिलाती रहती है, धक्का मारती रहती है। हाँ, हम दादा भगवान के जैसे ही बन सके, और नव कलम एडवांस प्रतिक्रमण है। बीजा बदन पूछो लोग शू क्या नव कलमो केम करवानी चाहिए, हम नव कलमो करे तो हम से कोई दोष ना हो सके, यानी कि हम कोई पर धर्म का प्रमाण ना दुभाए, किसी को भी दुख ना दे वैसे, और हम किसी का भी अनुमोदन ना करें, हम समरसी खुराक ले, हमारी हेल्थ अच्छी रहे, और नहीं क्यों करते हमें दादा जैसी शक्तियां मिले, हम दादा जैसे बन पाए। देवम बरोबर, पहले हम पहले तो ये नव कलम क्या है, देवम देवम ने पूछा आपको, देवम देवम नहीं मालूम, ओके प्रहर हाँ जय सच्चिदानंद, उसमें सारे खाने के लिए, फिर बोलने के लिए, फिर हम दुबाते हैं, फिर धर्म का प्रमाण दुबाते हैं, फिर साधु साध्वी का आचार्य का अवर्णवाद अपराध अभिनय करते हैं, फिर जो हमारे सामने हाजिर है या नहीं है, जो जीवन अभी जी रहा है, अलाइव है या मर गया क्या है, करते हैं आप बताए क्यों करते हैं उनका उन सबका कुछ भी होता है, हमारे से मिस्टेक तो उसकी माफी भी मांगते हैं उसमें, फिर खाने के लिए हम लुब्धपन वेस्ट करते हैं और वो करते हैं, उसकी शक्ति मांगते हैं, फिर जगत का कल्याण करने के लिए। ओके वेरी गुड, तो सिंपल का सिंपल जवाब है नव कलम क्यों करते हैं, तो दादा ने बोला है इसके लिए हम करते हैं, पहली हम पहली, बराबर है। किसने बोला है, ये दादा ने बोला है कि ये दिन में तीन बार तुम करना, बराबर है। उससे क्या होगा, क्योंकि तो नव कलम पहले में पहले क्या चीज है, दादा भगवान बोलते थे कि ये हम कितने जन्मों से करते आए है उसका फल है। जैसे दादा भगवान कहते थे कि हिंदुस्तान में ये धर्म समझने के लिए करोड़ों शास्त्र लिखे गए हैं, क्या लिखे गए है, करोड़ों शास्त्र लिखे गए है, उन सभी शास्त्रों का अर्क, अर्क बोलते हैं, अर्क किसको बोलते हैं, एसेंस, क्या बोलते हैं, एसेंस। जैसे गुलाब के एसेंस अगर चाहिए अपने, तो कितने सारे गुलाब उसको इकट्ठे करके तो उसमें से एसेंस कितना निकलता है, एक चम्मच जितना एसेंस निकलता है, कितना निकलता है, एक चम्मच जितना एसेंस निकलता है। तो कहे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी शास्त्र है, ये पूरे का पूरा शास्त्र का एसेंस
क्या है तो के नौ कलम है, क्या है यार जो नौ कलम बोल रहे हो बराबर है, और नौ कलम ये हिंदुस्तान के पूरे का पूरा शास्त्र का अर्क है, और अपने अनजाने में बोलेंगे ना तो भी उसका फल बहुत ही ऊंचा आएगा। दादा भगवान कहते थे एक बार, दादा भगवान को किसी ने पूछा कि आप अगर आपको एक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था उससे पहले आप क्या करते थे, क्या पूछा उन्होंने कि आपका आपको एक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था उससे पहले आप क्या करते थे, तो कि ये इससे पहले हम पिछले 40 सालों से ये नव कलम की आराधना करते थे। कितने सालों से, 40 सालों से ये नव कलम की आराधना करते थे, उसके फल स्वरूप क्या हुआ तो कि अक्रम विज्ञान उनको प्रकट हुआ। अपने तो अभी छोटे उम्र है, अब तो 40 साल हो जाएंगे तो तब तक तो कहाँ के कहाँ पहुंच जाओगे आप लोग को, हाँ समझ गए ना। तो ये नव कलम ये चीज है बराबर है, तो पहला हम पहले जो दादा भगवान ने बोला है तो इसके लिए अपने को करने का यही मेन कारण है। उसका फल तो बहुत है, क्यों करते है, और जी तो इसको लिखने जाएंगे ना तो पूरा खत्म ही नहीं होगा टाइम, इतना सारे उसके फायदे है बराबर है, क्यों करना चाहिए वो। तो मेन क्या करना चाहिए, ज्ञानी पुरुष की आज्ञा है, क्या है ज्ञानी पुरुष की आज्ञा है, वो करेंगे तो अपने ज्ञानी पुरुष की आज्ञा में आ जाएंगे बराबर। और प्रात विधि और नमस्कार विधि कौन करते हैं? मैं करती हूँ। एक दो तीन प्रात विधि नहीं करता, सिर्फ नमस्कार। मैं भी करता हूँ, मैं भी करती हूँ, मैं भी करती हूँ प्रात विधि। और क्यों क्यों करने का है विधि, आप क्यों करते हैं? हाँ मैं सुबह में करते हैं ना तो मतलब प्राप्त मन वचन काया से मैं किसी को मतलब दुख दिया जाता है मुझसे तो तरत वो हाजिर होता है, और सभी मतलब सिमंदर स्वामी को दादा भगवान को नमस्कार होता है, और सुबह सुबह में दादा भगवान की आज्ञा में रहने की शक्ति भी क्या बोलते हैं हम ले लेते हैं। आप क्यों करती है प्रातः विधि करने से सुबह सुबह में प्रातः विधि करने से हमारा सीधा नमस्कार पहुंचता है श्री मंदिर स्वामी को दादा भगवान को, और हमारे से पूरे दिन में किसी को भी दुख ना दे ऐसी शक्ति हमें मिलती है। और नमस्कार विधि ओके बोलिए नमस्कार विधि और नमस्कार विधि से सीमंदर स्वामी को फिर पंच परमेश्वर भगवान तो 24 तीर्थंकर भगवान तो विद्राक्ष शासन देव देवियों, ओम परमेश्वर भगवान तो निष्पक्ष पति शासन देव देवियों, दादा भरत हाल विचरता दादा भगवान को, वैसे उन सभी को हमारे नमस्कार पहुंचते हैं। नमस्कार यानी नमस्कार का मीनिंग क्या होता है? नमस्कार का मीनिंग प्रणाम करने का। प्रणाम याने? प्रणाम करने का। आप नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसका कुछ फायदा तो होना मांगता है खुशी विनय पूर्वक उनके गुण हमारे में आते हैं। ओके मुनिका हाँ मैं इसलिए करती हूँ मुझे अच्छा लगता है। नहीं नहीं अच्छा की बात छोड़ो, ये प्रणाम और नमस्कार का मीनिंग क्या होता है? नमस्कार करते हैं सभी लोगों को, सभी देवताओं को। उसका मीनिंग क्या होता है हसमुख आनंद जी बोलता ही है। ओके नमस्कार विधि में आपने दरेक दरेक भगवानों नो विनय करिए जे शू करिए हिंदी 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 हाँ जो नमस्कार विधि अपने जो बोलते हैं उनमें अपने क्या करते हैं तो कि हर एक भगवान का अपने विनय करते हैं, क्या करते हैं विनय करते हैं, और विनय करने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है तो कि विनय वो धर्म का मूल है, क्या है धर्म का मूल है, जो किसी भी धर्म की अगर शुरुआत कहाँ से होती है तो कि विनय से शुरुआत होती है, उनकी कहाँ से शुरुआत होती है विनय से। तो अगर अपने को कुछ भी सीखने का है, कहीं भी आगे बढ़ने का है तो पहले में पहला क्या चाहिए तो विनय चाहिए। अगर विनय होगा तो वो सामने वाले का जितने भी शक्ति है जितने भी गुण है
वो इजीली अपने आप अपने ट्रांसफर होते जाएंगे, और सुबह सुबह में अपने भगवान का विनय कर दिया तो पूरे दिन भर अपने अंदर वो जागृति रहेगी, समझ गए ना। तो वो विनय के लिए पूरे का पूरी नमस्कार विधि अपने दिया हुआ है कि हर एक धर्म के हर एक भगवान का हम विनय करते हैं, ठीक है। ओके, तो कल फ्राइडे है तो सब समरी लिखने का कि 15 दिन में आपने जो 15 दिन में जो लास्ट 15 डेज में जो आपने नक्की किया था कैसे हुआ। देखो ऐसे किया था कि मैं एवरीडे इतना टाइम उठूंगी, तो ये 15 दिन में कितना दफा उठा नहीं उठा मालूम पड़ गया सबको। हाँ। तो विधि कितना दिन से टाइम हो गया। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। प्रहर आपको क्या बताने का है बोलो, और कल का किसका टर्न है? देवम क्या बोला प्रहर? समरी में क्या लिखना है? आपने जो लास्ट 15 दिन में ट्रैकिंग किया है कि मैं मम्मी को परेशान नहीं करूंगा, कितना दफा पिछले 15 दिन में किया, और कल का दिन कैसा एक्सपीरियंस रहा वो? क्या? और हमने जो किया था गोल, तो उसमें कल का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो? हाँ, 15 दिन में कितना दफा सिंसियर रहा, 15 दिवस में कितनी दफा इनसिंसियर या ईच आइटम में, ठीक है। जय सच्चिदानंद। देवम किसका टर्न है कल? मेरा। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद हसमुख काका। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद हसमुख काका। जय कृष्णा। जय सच्चिदानंद हसमुखानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद रजनी अंकल। जय सच्चिदानंद कृष्णा। दादावाणी मां वांच्यो तू एक दादावाणी मां के जगत जेनु जेवु ज्ञान छे ए आधारे नथी चालतु, दर्शन थी चाले छे। तो जगत दर्शन थी चाले छे के वी रीते? जगत जेवु जेनु ज्ञान छे ए आधारे नथी चालतु पण दर्शन थी चाले छे। तो जगत दर्शन थी चाले छे, ज्ञान थी नथी चालतु ए केवी रीते? केम के समझाय तो एवुं छे के जेनु जेवु ज्ञान होय ए प्रमाणे जगत चाले, पण आमा दादावाणी मां एवुं वाचवामां आव्युं तो के दर्शन थी नथी चालतु, ज्ञान थी नथी चालतु, दर्शन थी चाले छे। दीपकानंद जी। ए सच्चिदानंद, ज्ञान એટલે કે જાણપણું છે ને તે પ્રમાણેની સમજણ નથી, બરાબર, એટલે દર્શન થી ચાલે છે એનો મતલબ સમજણ પ્રમાણે ચાલે છે। અચ્છા, જ્ઞાન પ્રમાણેની સમજણ નથી, એટલે જ્ઞાનની જે રૂપે જાણકારી છે એ બહુ હાઈ છે। હું જાણું છું સિગરેટ નથી પીવાની, દારૂ નથી પીવાનો, ગાડો નથી દેવાની, કોઈને દુઃખ નથી આપવાનું, સત્સંગમાં બધો ટાઈમ કાઢવાનો, જામ નથી કરવું, બહારનું નહીં ખાવાનું, બધું, પણ સમજણમાં નથી આવેલું એટલે વર્તનમાં નથી। એટલે જગત ચાલે છે કેવી રીતે? દર્શનથી, એટલે સમજણથી। જેટલું સમજણમાં આવે ને, જેટલું સમજણમાં ફિટ થાય એટલું વર્તાય। એટલે જેવું દર્શન છે તેવું તેનું જ્ઞાન કરીને કવિરાજના પદમાં આવે છે। અચ્છા, સાચે ખરેખર ત્યાં એ જ્ઞાન એટલે મતિ રહેલી છે, અનુભવ રહેલો છે, બરાબર, એટલે પૂર્ણ સમજ એ કેવળ જ્ઞાન છે કરીને કીધું। અચ્છા, બરાબર, એટલે દર્શન એટલે સમજણ થઈ? હા, સમજણ જોવાનું એટલે સમજણ। ઓકે, દર્શન થી જોવાનું, દાદાના અનુભવ જ્ઞાન થી એટલે પૂર્ણ જ્ઞાન થી કહેવાનું, આપણે પૂર્ણ જ્ઞાન થી આપણું દર્શન ખુલ્લું થયું। અચ્છા, એટલે એમનું પૂર્ણ જ્ઞાન એટલે એમનું મતિ જ્ઞાન, એમના મતિ થી, મતિમાં બહુ બળ હોય છે, મતિ જ બળવાળી હોય છે,
એનાથી આપણું દર્શન ખુલ્લું થયું. અને એ દર્શન પ્રમાણે આપણે જેમ જીવતા જઈએ તેમ એ સમજણ જેમ જેમ ફિટ થતી જાય, મતિ સ્વરૂપે ફિટ થતી જાય, સ્થિર થતી જાય, તેમ તેમ આપણને એ જ્ઞાન એટલે મતિ પ્રમાણે જીવાય. આજે જ્ઞાન મળ્યું છે પૂરું, પણ સમજણ અધૂરી છે એટલે જ્ઞાન પ્રમાણે આપણો વ્યવહાર નથી, એટલે બધા બૂમો પાડે છે. આપણને સમજાય છે ને આપણે લોકોમાં એ જોઈએ છે, એટલે સમજ 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 કરવાનું કીધું છે ને. અને આ સત્સંગના પ્લેટફોર્મ પર મોટો એડવાન્ટેજ એ મળે છે કે દરેકની પાસે અમુક સમજણ ખુલ્લી થયેલી છે. એ ખુલ્લી થયેલી સમજણ આપણે પડે ને એટલે આપણું તરફ ફિટ થઈ જાય, અને ફિટ થયેલું આપણા નિશ્ચયમાં આવે અને નિશ્ચય પછી એ ફળ આપે આપણને. અચ્છા, એટલે કે પરિણામ આપે. શું કહો છો અશ્વકાનજી? હા, એક તમે કહો મતિ, મતિ પ્રમાણે એટલે એક મતિ જ્ઞાન કહે છે, એક સ્ફૂર્ત જ્ઞાન કહે છે, અને શુષ્ક જ્ઞાન. શુષ્ક બરોબર છે. હા, એટલે સ્ફૂર્ત જ્ઞાન અને શુષ્ક જ્ઞાન એ એ શું હોય છે? મતિ જ્ઞાન, દાદાનું મતિ જ્ઞાન આપણા માટે શ્રુત જ્ઞાન કહેવાય. શ્રુત એટલે સાંભળ્યું. મતિ જ્ઞાન એટલે શું કહેવાય? અનુભવમાં સ્થિર થયેલું સમજણ. અનુભવમાં સ્થિર થયેલી સમજણ, ચારિત્રમાં આવેલી સમજણ એ મતિ જ્ઞાન કહેવાય. મતિ એટલે સમજણ ફિટ થયેલી, અનુભવ સિદ્ધ થયેલી. અને એવા જ્યારે બોલે ત્યારે સાંભળનાર માટે એ શ્રુત જ્ઞાન થાય, કે જે સાંભળવાથી, જે શ્રુત થવાથી આપણી અંદર પરિવર્તન થાય. અને એ પરિવર્તન થયેલું આપણી અંદર એ પુરુષાર્થ શરૂ થાય, અને એ પુરુષાર્થ પૂર્ણ થતા એમના જેવી મતિ આપણી થાય, એટલે શ્રુત જ્ઞાનની કિંમત છે. જ્ઞાનની શરૂઆત શ્રુત જ્ઞાનથી થાય છે, સમજણની શરૂઆત. પણ જ્યારે એવા અનુભવી નથી હોતા મતિ સહિતના સ્થિરતા વાળા, ત્યારે પછી શાસ્ત્રને શ્રુત જ્ઞાન કરીને મનાય છે ને એમાંથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરે. પણ ખરેખર શાસ્ત્રથી પ્રમાણ જડે છે કે અનુભવ અને અનુભવી આવા હોય, એટલે એ સમજણ ફિટ શું કરવાની, કે મને આવા અનુભવી મળે, મને આવા જ્ઞાની મળે, તો મારી અંદર પણ એ અનુભવ ખુલ્લો થાય. એટલે કીધું શ્રીમદ રાજચંદ્રજી, બધા જે મોટા પુરુષ થઈ ગયા સાચા દિશાવાળા, એમણે આજ કેને આ ભારપૂર્વક કીધું કે જ્ઞાનીને શોધો, જ્ઞાનીના ચરણ કમળમાં સર્વભાવ સમર્પણ કરીને ચાલ્યા જાઓ, તો કે તમને હથેળીમાં મોક્ષ મળશે. ક્યાં લાગે? એમનું વચન બળ કામ કરે, વચન બળ. યસ, મતિ મતિ જ્ઞાન વાળાને વચન બળ હોય જ. અને એમની હસ્તી જ વચન શું કે બળ વાળી છે. બરાબર. અરે એમને યાદ કરે તો બળ મળે છે. આપણે અનુભવીએ છીએ દાદા ને, ખાલી દા દા કહો છો તો એમ કે એ શબ્દ નથી, એ આખા બ્રહ્માંડી શક્તિ જે કુદરતી રીતે ખુલ્લી થયેલી છે, જબરજસ્ત વચન બળ સાથે, બળ સાથે. એને શું કહેવાય આપણે? યશ નામ. એટલું બધું જબરજસ્ત પાવર. આ યશ નામ દાદા ભગવાન નું આવતા અર્ધકાર ચક્ર આખું ચાલવાનું છે. જે ઋષભદેવ ભગવાન નું ચાલ્યું ને આ અર્ધકાર ચક્ર, જો કોઈ પણ દેરાસર માં જાય ને તો આજે ઋષભદેવ ભગવાન ની આરતી થાય છે. બરાબર છે. અહીંયા એ વાત સમજવાની છે, એમનું જબરજસ્ત યજ્ઞ ચાલવા માંડે, ખડખડ જે બધું લોક થઈ ગયેલું ને, જામ થઈ ગયેલું ને, તે ચાલવા માંડે. રાઈટ. નિશ્ચય થાય, શક્તિ મંગાય. બરાબર. અને આપણે ચાલવા માંડીએ. અચ્છા, બરાબર છે.
એટલે મહાત્માના ટોળામાં પડી રહેવું હિતાવર છે. સાચી વાત. રાઈટ એવી રીતે બરાબર. શુષ્ક જ્ઞાન કે છે. હા, શુષ્ક જ્ઞાન એટલે જે જ્ઞાન પરિણામ નહીં પામે તે. એટલે એમ કહેવાય કે જે અનુભવ જ્ઞાન પરિણામ પમાડીને જ રહે. જ્યારે શુષ્ક જ્ઞાન એટલે વાંજ્યું જ્ઞાન કે વાંજ્યું જ્ઞાન તો ખબર પડે ને, વાંજ્યા એટલે શું કે જે પરિણામ આપી શકે નહીં, એવી રીતે ફળ આપે નહીં તે. શુષ્ક જ્ઞાન દંભો વચ્ચે જિજ્ઞાસુએ ઢૂંકવું નહીં. કવિરાજ કહે છે ને, જિજ્ઞાસુ એટલે જેમની જિજ્ઞાસા જે પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા છે, તો એમણે શોધવાનું કે ક્યાં અનુભવ છે. એટલા માટે કીધું, વાંચેલું બોલતા હોય, સાંભળેલું બોલતા હોય, કલ્પેલું બોલતા હોય તો એનો કોઈ મતલબ નથી. અનુભવેલું બોલાય, કારણ કે અનુભવેલું બોલવાનું નથી હોતું, એ તો નીકળી જ પડે એની મેળે. અને એ જાય, એનો ટાઈમ આવે કે કાનમાં પડે કે બધું ફિનિશ, એ ટાઈમ આવવો જોઈએ. ટાઈમ આવ્યો કે આપણો ત્યાં મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં ટાઈમ આવશે. આજે આ બધા પુરુષાર્થ કરીએ છીએ ને, દાદાએ બતાડેલી સમજણથી આજ્ઞાથી એ પેલો ટાઈમ આવીને ઉભો રહે છે. એ કુદરતના ટાઈમમાં છે, કારણ કે હવે આપણે કશું કરતા નથી. બહુ જબરજસ્ત, એનો જ આપણે લાભ લઈએ છીએ. એટલે બધાની અંદર જે દાદા પ્રગટ થયેલા છે સમજણ રૂપે, અને જેટલા અંશે ચારિત્ર રૂપે એ કામ કરી રહેલા છે, એટલા દાદા પોતાને અનુભવ થાય ને બીજાને કામ લાગે. એમની હસ્તી, જેમની હાજરી, પ્રેઝન્સ, મિયર પ્રેઝન્સ. એટલે બધા મહાત્મા બહુ મોટા રત્ન છે આપણા માટે. કારણ કે અંશે કરીને દરેકની 360 ડિગ્રીમાંની અમુક ડિગ્રી ખુલ્લી થયેલી જ છે, એમને અનુભવ થયેલો છે, એમાં કઈ પ્રશ્ન જ નથી. આપણી અમુક ડિગ્રી ખુલ્લી હોય ને આપણે રોફમાં ફરતા હોય, તો બીજાને જે ડિગ્રી ખુલ્લી છે ત્યાં આપણું અંધારું છે. એટલે એને લઈને પેલું કહે ને, માથે ચડે નહીં એનું ધ્યાન રાખવાનું. અને આખરે તો આપણે કીધું છે, લઘુ ભાવથી લઘુત્તમ થશું ત્યારે મુક્ત થશે. એટલે બધા મહાત્માઓના ચરણમાં આપણે બેસવા. મહાત્માઓની ચરણ રજ માથે લગાડીશું તો આપણું કામ થશે કરીને કીધું, તો પછી બરાબર. આ તો એટલે ચાલ્યા જ કરે એવું છે, બંધન નહીં થાય. સાચી વાત છે. એવા દાદા છે ને, એવું જ્ઞાન વિશાળ છે, અનંત. બીજું કઈ ક્વેશ્ચન છે કૃષ્ણ? ના. ઓકે, જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. હસમુખ ગાંધી. જય સચિદાનંદ. દીપક ગાંધી. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. પ્રગટ અનુભવ જ્ઞાન સૂત્ર શ્રેણી 28, સૂત્ર નંબર 227 અને પેજ નંબર 39. મહાત્માઓનો અહંકાર રૂપાળો જોઈશે, માટે અહંકાર રૂપાળો છે કે નહીં તે તપાસ કરી લેવી. એ અહંકારમાંથી રસ ખેંચાઈ જાય એવી જાગૃતિ હોવી ઘટે. રસ બહુ હેરાન કરે, એમાં જાત જાતના ચટકા હોય. મૂકો છો દીપકાનંદ જી સ્ક્રીન પર? કમિંગ કમિંગ, એક્સેસ ટાઈમ હોય ને. ઓકે. મેં કહે કે કાળુ ગુરુજી અહીંયા આવો તો પછી એને ટાઈમ આપવાનો નહીં. ઓકે, જય સચિદાનંદ. દેખાયું? હા દેખાયું. મહાત્માનો
અહંકાર રૂપાળો જોઈશે. લઘુતા ને પામેલો એમ. મ્યુટ થઈ ગયા, મ્યુટ મ્યુટ થઈ ગયું. અનમ્યુટ કરો હસમુખાનંદજી. હા અનમ્યુટ. અનમ્યુટ ઓકે ઓકે બોલો. હા હેલો. હા બોલો બોલો. હા હા સંભળાય. હા તો કે રૂપાળો અહંકાર એટલે શું? તો કે પોઝિટિવ અહંકાર. કેવો અહંકાર? પોઝિટિવ. અત્યારે અત્યારે આપણે જોઈએ ને બધો નેગેટિવ અહંકાર. આપણે કોઈ મદદ ના કરવી જોઈએ, આમ ના કરવું જોઈએ, ખ્યાલ આવ્યો ને? તો બધો નેગેટિવ અહંકાર. કારણ કે પોઝિટિવ અહંકાર એટલે કેવું? તો કે હું બધાને મદદ કરીશ, હું બધાને હેલ્પ કરીશ, હું આમ કરીશ, એ પોઝિટિવ અહંકાર. એટલે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે અમે નાનપણથી અમારી અંદર અહંકાર ખૂબ જ હતો, પણ એ અહંકાર કેવો હતો? તો કે રૂપાળો હતો. કેવો હતો? રૂપાળો. બીજાને મદદ કરવાનું, બીજાને હેલ્પ કરવાનું, બીજા માટે ઘસાઈ શીખવાનું, એ રીતનો અહંકાર હતો. કેવો હતો અહંકાર? એટલે કે મહાત્માની અંદર અહંકાર રૂપાળો જોઈશે. કેવો જોઈશે? રૂપાળો. એટલે નેગેટિવ અહંકાર નહીં, કોઈને દુઃખ આપે એ રીતનો નહીં, પણ કેવો જોઈશે? તો કે પોઝિટિવ અહંકાર. અને એની તપાસ કરી લેવી આપણે કે આપણી અંદર કેવો અહંકાર છે. હા બરાબર બરાબર. કે કોઈને હેલ્પ થયો, હેલ્પ કરવા માટેનો અહંકાર છે, કે પછી કોઈ હેલ્પ કરતા એને ના પાડવાનો અહંકાર છે, સમજાય ને? બરાબર. એ અંદર તપાસ કરી લેવું અને એ અહંકારમાંથી રસ ખેંચાઈ જાય એવી જાગૃતિ હોવી જોઈએ. તો કે એ કોઈને હેલ્પ કરતા હોય, આ કરતા હોય ને, તો અંદરમાં ધીરે ધીરે રસ પડતો જાય આપણને. બધા વાહ વાહ કરે, આ કરે, તો કે ધીરે ધીરે રસ અંદરથી ખેંચાઈ જાય. બરાબર છે, બરાબર છે. અને રસ બહુ હેરાન કરે અને એ જાત જાતનો ચટકા હોય. કારણ કે અહંકારનો રસ હોય એ ગમે તેવો રૂપાળો છે અંદર. કારણ કે છે શું? અહંકાર છે એટલે એનો આપણને હેરાન કરે છે. એનો જાત જાતનો ચટકા હોય અલગ અલગ, સમજાય ને? માન આપે તો આપણને ગમે, ના આપે તો પાછો વાગે. અપમાન કરે તો ના બી ગમે, સમજે ને? એનો જાત જાતના ચટકા હોય. એટલે અહંકાર રૂપાળો તો આ શબ્દ મને ખૂબ જ ગમેલો છે. કે અહંકાર કેવો? દાદા ભગવાન મને નાનપણથી રૂપાળો અહંકાર હતો. અને રૂપાળો અહંકાર શબ્દ અત્યાર સુધી ક્યાંય પણ જગ્યાએ આપણે સાંભળ્યો નથી ને વપરાયો પણ નથી. હા બરાબર છે. એવું છે. ભલે અહંકાર હોય પણ રૂપાળો આપણે જોઈશું ને તો ઘણાની અંદર એવા રૂપાળા અહંકાર હોય છે. વ્યવહારમાં પણ જોઈએ ને કે ભાઈ આમ આમ પેલા ગુસ્સા વાળો એવો હોય, પણ કોઈ મદદ માટે જાય તો તરત લાખ રૂપિયા ચેક લખીને આપે. રાઈટ રાઈટ. એ આમ પેલી રીતનો અહંકાર છે, રૂપાળો લાગે એવું છે. કે ભાઈ આ કોઈને મદદ કરવાના બધું રૂપાળા અહંકાર ને અલગ અલગ કેટલી તમે જોશો ને ફેઝિસ છે એના રૂપાળા અહંકાર. એવો અહંકાર આપણે અંદર હોવો જોઈએ. આ જ્ઞાન મળ્યા પછી વિચાર ભાગમાં ભલે હોય તો ચાલે એવું છે. બરાબર. આ જે લખ્યું કે અહંકાર માંથી રસ ખેંચાઈ જાય એટલે ગમો કે અણગમો બંને માંથી બહાર નીકળી જવાનું. હા, ગમો ને અણગમો માંથી ધીરે ધીરે બહાર આવતા જવાનું. એ અંદર રસ ના હોવો જોઈએ. રૂપાળો હોય, કદરૂપો હોય, પણ અંદર રસ હશે ત્યાં સુધી આપણને હેરાન કર્યા કરશે. સમજે ને? હા બરાબર. રસ એટલે શું? તો કે હું અસમુખ છું એ ભાવ જેટલો જેટલો અંદર ચાંચો મારતો રહે, ચાંચતો રહે, એ બરો ધીરે ધીરે કરીને કાઢતા જવાનું આપણે. કાઢતા જવાનું. બરાબર છે, બરાબર છે. એમ એમ એ બહુ સરસ કામ કરશે એવું છે. બરાબર છે. બીજું પૂછું રજની અંકલ. હા બોલો બોલો. હા દીપકાનજી, એમાં જ છે 257. પ્રજ્ઞાનું કામ શું? તો કહે કે રિલેટિવને બહુ જ કુટેવ પડી ગઈ છે, જ્યાં ને ત્યાં અનફોકસ થઈ જવાની, તેથી પ્રજ્ઞા એને ફોકસ કરાવે છે. હવે રિલેટિવને ફોકસ કરવું એટલે શું? તો કહે કે અનંત જાતમાં એક જ જાતથી જોવું, તે અનંત રૂપવાળી એક જ જાત, એમાં કેટલા ભેદ વાળા રૂપો છે તે ભેદ થી નહીં જોવાનું. હા એટલે
જેમ આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું ત્યારે આ પ્રજ્ઞા શક્તિ ખુલ્લી થઈ. તો કહે છે ને પ્રજ્ઞાનું કામ શું રહ્યું, તો કે રિલેટિવમાં બહુ કુટેવ પડી ગઈ છે ત્યાં અનફોકસ થઈ જવાનું, પછી પ્રજ્ઞા એને ફોકસ કરાવડાવે. હવે રિલેટિવને રિલેટિવમાં ફોકસ થવું એટલે શું, તો કે અનંત જાતમાં એક જાતથી જોવું. તો કે અનંત જાત એટલે રિલેટિવમાં આપણે જોઈએ ને તો બધું અલગ 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 વસ્તુ દેખાય છે. તો કે દેખાય છે એ શું છે, તો કે ખાલી એક જ જે પૂરણ થયેલું હતું તો કે એ જ ગલન થઈ રહ્યું છે. શું થયું, બરાબર છે, બરાબર પૂરણ થયેલું હતું. તો કે રિલેટિવને રિલેટિવ તરીકે જ આપણે જોવું, કેટલા ભેદ રૂપો છે કે રિલેટિવ ને અલગ અલગ એક જ વસ્તુ હોય એને અલગ અલગ વસ્તુ, જેમ માટી હોય તેને કોઈ ઘડો બનાવ્યો હોય, કોઈ પેલી વસ્તુ હોય, પણ અંદર છે તો શું માટી છે. આપણે રિલેટિવ ને એ રીતે રિલેટિવ તરીકે આપણે જેટલું જેટલું જોતા જઈશું તો કે એ આગળ આપણને પ્રજ્ઞા શક્તિ નું કામ એ છે. એવું છે રિલેટિવ ને રિલેટિવ તરીકે એવું સમજાય છે. આ જે લખ્યું કે એમાં કેટલા ભેદ વાળા રૂપો છે તે ભેદ થી નહીં જોવાનું, એટલે અભેદ અભેદ દ્રષ્ટિ રાખવાની છે. એટલે એને રિલેટિવ ને રિલેટિવ તરીકે જ જોવાનું, એને ભેદ તરીકે નહીં જોવાનું એમ. બરાબર સમજાય ને કે આ રિલેટિવ જ છે. આપણે ઘડો જોઈએ છે, પછી માટલું જોઈએ છે, આ જોઈએ છે, તે જોઈએ છે, પણ હવે આપણે પ્રજ્ઞા શક્તિ નું કામ શું છે, તો કે આ શું છે, તો કે માટી છે. શું છે, માટી છે. પૂર્ણ થયેલું હતું એ જ ગલન થઈ રહ્યું છે કે બરાબર એક જ સ્વભાવ વાળું એવું છે. એક જ સ્વભાવ વાળું, હા, કે પૂજગલ શું છે, તો કે એક જ સ્વભાવ નું છે કે જે પૂર્ણ થયું હતું એ જ અત્યારે શું થઈ રહ્યું છે, ગલન થઈ રહ્યું છે. પ્રજ્ઞા શક્તિ નું કામ એ છે આપણને. અને અજ્ઞા શક્તિ નું કામ શું છે, તો કે અનેક અનેક બધી ભેદો પડાવતો છે. આ ઘડો છે, પછી આ વાસણ છે, આ ગ્લાસ છે, આ પેલું છે, પણ આપણે તત્વ દ્રષ્ટિથી શું જોઈએ, તો કે ભાઈ રિલેટિવ આ બધા ફિઝિકલ પરમાણુઓ છે બધા. બરાબર, બિલકુલ એ રીતનું. દીપકાનંદજી કઈ હોય તો કહેજો અંદર. એટલે આપણે શું કહીએ કે આપણને રહ્યો છે આજે રિલેટિવ બધા કેટલા બધા સ્વરૂપે આવે છે ને, અનંત રૂપ એટલે વ્યવહારના ભેદથી જોવાનું નહીં. બરાબર, વ્યવહારના ભેદથી જોવા આપણે ટેવાયેલા છે બુદ્ધિએ કરીને. બરાબર બરાબર, અને બુદ્ધિ આપણને તરત સ્વરૂપ દેખાડી દે તરત જ, રાઈટ, આ આવું ને આ આવું ને પેલું કેવું એમ કરીને. હવે બુદ્ધિ થી જોવાથી અનફોકસ થઈ જવાય, અને પ્રજ્ઞા આપણને એટલે બુદ્ધિ આપણને ડિસ્ટ્રેક્ટ કરે. બરાબર, આપણને શું કેવાય ગાંધી જોવા નથી, કારણ કે એની આખી માન્યતા લઈને આવેલા છે. રાઈટ, પણ આપણે કે ભાઈ ઉતાવળ ના કરો, બરાબર જુઓ, એક ધ્યાનથી જુઓ. હા, એક ધ્યાનથી એટલે શું બને છે એ નહીં જુઓ, પણ એની પાછળ એનો સ્વભાવ રસ જુઓ. સ્વભાવ રસ એટલે શું, એને શું કહે છે, શું એટલે એને આપણે કહીએ ને કે પેલા શ્રેય છે, પેલા ડોક્ટર બમકીનભાઈ છે, પેલા પ્રીતિબેન છે, બુદ્ધિ તરત જ બતાડી દે. તો આપણે એને ઝઘડો નથી કરતા, એનું માન્ય રાખીએ. બરાબર, પણ પાછળ આપણું પ્રજ્ઞા થકી ફોકસ જોવાનું અને જોવાનો ભાગ આવે ત્યાં પ્રજ્ઞા આવે, અને પ્રજ્ઞા આપણને શું કરાવે, તો કે આજ્ઞા માં જ આપણને નાખી દે તરત. બરાબર, પપ્પા આયા મમ્મી આયા કરીને કે
એ તરત એ બુદ્ધિનું ફંક્શન છે. હા, એ માન્યતા આપણે લઈને અઘાડ કરીને આવેલા છે. બરાબર. એટલે પછી એ રીતે જ આપણને ધક્કો મારે. એટલે એમાં આપણે કોઈ મહેનત નથી કરવી પડતી. બરાબર. પણ વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી પપ્પા છે, વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી છે, એ જોવું પડે. બરાબર. એ જોવા માટે પ્રજ્ઞાનું ફોકસ વગર દેખાય નહીં. એટલે પેલું દેખાય છે જોયા વગર. હા, જોયા વગર એટલે સમજ્યા વગર. મમ્મી એવું ના કરવું છે, આવું હોતું હશે. એટલે કોઈને કોઈના માટે પછી એવી રીતે થાય, પપ્પા મમ્મી ના દાખલા પરથી એવી રીતે સમજી લેવા. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. એટલે અહીંયા હવે આપણે કે ભાઈ હવે આ તો એફર્ટલેસલી દેખાડી જ દે છે, મહેનત વગર, વિના મહેનતે. રાઈટ. અને દાદા કે હવે પુરુષાર્થી જોવાનું. બરાબર. એટલે કે પ્રજ્ઞા શક્તિ શું દેખાડે છે ને એ હવે આપણે જોવું છે. એ દ્રષ્ટિના ઉપયોગ વગર નહીં દેખાય. અને દ્રષ્ટિના ઉપયોગ થવાથી આપણી દ્રષ્ટિ આખી પ્રજ્ઞામય કેળવાય છે. રાઈટ. આપણી દ્રષ્ટિ પ્રજ્ઞામય કેળવાય છે. કેળવાય છે. અને એ કેળવવાથી પછી આપણને જેમ છે તેમ એના દર્શન થાય કે શું છે. હા, બરાબર. અને એ જ્યારે પકડાય ત્યારે આપણને હાસ થઈ જાય. એટલે પેલું જે જુદું જુદું જોવામાં પછી આપણને એક જ દેખાય. અને એક શું દેખાય પહેલા પગથિયે, એક શું દેખાય પહેલા પગથિયે, એક શું દેખાય તો કે આ પપ્પા આયા, આ મમ્મી આયા. તો કે ના, આ શ્રેય છે. આ પણ શ્રેય જ છે. સ્વભાવ તમને દેખાય. બરાબર. જેવું પૂરણ થયેલું એવું ગલન બધે થયા કરે છે. બરાબર છે. એટલે પેલા પગથિયામાં જયારે શ્રેય ને જુએ ને બધે, એટલે પપ્પા આવું કર્યું, આવું ના કરવું છે, આવું તો કઈ હોતું હશે, એના શ્રેય કર્યું. શ્રેય ની વાત આવે ને એટલે બોલવાનું જ ના રહ્યું. બરાબર. આ મમ્મી આવું કર્યું, આમ ના આવું, શ્રેય. એટલે હવે શું વાત કરવાની, કોઈ વાત નહીં. બરાબર છે. એટલે એક્સેપ્ટ, કોઈ પ્રશ્ન નહીં, સ્વીકાર. આપણું સેટલ થાય ને કે બધે હું મારા દર્શન કરી લઉં છું, એ સેટલ થયા પછી આગળની ભૂમિકામાં તમારી દ્રષ્ટિ સ્વભાવ પર પડશે. બરાબર. સ્વભાવ પર પડશે એટલે શું, તો કે જેમ શુદ્ધાત્મા જોયા કરે છે, અરીસો દેખાડ્યા કરે છે, એનો સ્વભાવ છે. હા, એ કશે ડકો ડકલ કરતું નથી. રાઈટ. એવી રીતે ભૂતગળના સ્વભાવથી કાર્ય ક્રિયા જ કરે છે. આ કરે છે કે તે કરે છે એવું છે જ નહીં. એવું નથી. બરાબર. એટલે મહાવીર ભગવાનના કાનમાં બરું ખોસાય ને તો એમને એમ નહીં કીધું કે તે વખતે મારી ભૂલ થયેલી છે, એ વખતે જે ભૂલ થયેલી એ આ નારિયેલ રમતું રમતું અહીંયા લગી આવ્યું. આ પૂતગલ પર જે શ્રેયનું પૂતગલ છે ને એના પર કેટલા લોકોએ પ્રયોગ કર્યા છે. હા, બરાબર છે. અને એ પ્રયોગ કરતા કરતા હાલત ખરાબ થઈ ગઈ છે. હા, એટલે આપણે કહીએ જો એનું આખું આમ કે એનું માળખું જોઈએ
તો આપણે એવું કઈ ગભરામણ થઈ જાય કે આટલો બધો મટીરિયલ. અને દાદાએ શું કીધું, આ જ્ઞાન એવું છે કે એક કલાકમાં એનો ફેસલો આવી જાય, પણ એ એક કલાકનું પેલું આવ્યું ને ફોકસ્ડ જોવાનું, એ આ બુદ્ધિના કારણે એ પ્રકાશ આવરાયા કરે છે. બુદ્ધિનો ભાગ જે છે ને એ કર્મકૃત છે. કર્મકૃત એટલે એ એના આધારે આપણે એ જે ભગવટામાંથી પસાર થવાનું ને એ કમ્પલસરી છે. જે ભગવાનને 12.5 વર્ષ લાગ્યા એને, ભગવાન 12.5 વર્ષ લાગ્યા, આપણે જેટલા લાગે એટલા, પણ આપણે એ ભૂમિકામાં આવી ગયા એનો આનંદ છે. આ દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ કર્યા કરો રાત દિવસ બેઠા, પણ આજે ખાવા પીવા રેડી કરણી આપણી એવી છે, એટલું બધો ભાર છે, એટલું બધું આવરણ છે, કામમાંથી નીકળાતું નથી. બરાબર છે. એટલે ભગવાને 12.5 વર્ષમાં 365 ડેઝ ના થોડાક દિવસ વધારે ભોગવી લીધેલું. બરાબર. એટલે આપણે હિસાબ કાઢીએ ને તો 12.5 વર્ષમાં એમને 1 વર્ષ કરતા થોડાક દિવસો વધારે એમને ભોજન લીધેલું. રેસ્ટ ઓફ ધ ડે એ ભૂખા રહ્યા હતા નહીં, એ જાગૃતિમાં રહ્યા હતા. ફોકસ જાગૃતિ પર હતું, ફોકસ ના ખાવાના પર નહોતું. હા બિલકુલ. આપણે ફોકસ ના ખાવાના પર કરે તો બધું જોવાનું રહી જાય. એ જોવાનો ભાગ એટલો બધો પ્રવૃત્ત હતો ને, ખાવાનાની જરૂરત એવી પડતી નહોતી અને એવું ખાવાની જરૂરત નથી પડતી. બરાબર છે. અને એ જાગૃતિ એવી હતી કે તમને ખાવા દે જ નહીં. હા. અને એમાં કુદરતી પણ આવે. એટલે મૂળ વસ્તુ આપણે દ્રષ્ટિ છે. દ્રષ્ટિ બરાબર. આનું ફોકસ એટલે એ દ્રષ્ટિથી આપણે રહેતા જઈએ ને, હવે એ દ્રષ્ટિથી જે રહેતા હોય, કોણ મોટું ને કોણ નાનું, કોણ આગળ ને કોણ પાછળ, કોણ ભાઈ ને કોણ બેન, કોણ સારું ને કોણ ખરાબ, દ્વંદ્વમાંથી જ આપણને મુક્ત કરી દે. કોઈ ભેદ જ નહીં. બરાબર. કોઈ ભેદ નહીં, બિલકુલ અભેદ બનાવે. પણ એને દ્રષ્ટિને કેળવ કેળવ કરવાની, જે પેલી આઈસ્ક્રીમ બનાવે છે ચટ્ટામાં, ભેગું કરીને બાવડા દુખી જાય, પણ પછી આઈસ્ક્રીમ ખાવાની જે મજા આવે છે ને, તે લોકો કે અરે શું વાત છે, પછી લાગે કે મારા બાવડા રહી ગયા તેને શું, તે એ વાત કરે આઈસ્ક્રીમ ખાવ કરીને, એ વાત છે. એટલે આખી એફર્ટ છે ને, મહાવીર ભગવાનના શિષ્યોને બ્રાહ્મણ નહીં સાધુઓને શ્રમણ કહેતા હતા. એ શ્રમણની લાઈન આપણી ચાલુ કરી આપી છે દાદાએ. હવે ગિયર અપ થાય ને એનું આ ભક્તો પુરુષ આ છે. આપણે ફેરો ફેરો કરવા કવિરાજનું પદ છે ને, અંદર ફેરવી લઈએ રે અંદર ફેરવી લઈએ રે જય સચિદાન. ઓકે, હવે આપણે કોઈ ક્વેશ્ચન નથી. તો આનંદજી આપણું કોઈ છે એક્સપિરિયન્સ? બસ પેલી આજ્ઞા નો બીજી આજ્ઞા. ઓ વેઇટ વેઇટ, તૃપ્તા આવી ગયા. जय सच्चिदानंद स्वामी जी. ये जो आता है एक दो ना दो दो मिनट के वीडियो दादा भगवान के व्हाट्सएप पे आते हैं, जैसे दादा भगवान सत्संग लगाम छोड़वानो प्रयोग, वो मैंने सुना पर समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाहते हैं. લગામ છોડવાનો પ્રયોગ ઓર એક દૂસરી ભી હૈ માસ્ટર કી ફ્રોમ દાદા ભગવાન, તો વો જરા આપ સમજાયેંગે. બાપરે, વો તો મેરે સુનને મેં આયા નહીં હૈ, લેકિન વો ક્યા કહેના ચાહતે હો તો થોડા બતાઓ ના, તો ફિર બતા સકતે હૈ, તો ઉસકા જિસ્ટ બતા દો તો ફિર ઉસકો ઇલેબોરેટ કર સકતે હૈ. લગામ છોડવાને રજનીભાઈ બેચતે હૈ ના, લગામ છોડવાનો પ્રયોગ, તો વો તો હમકો બિલકુલ સમજના હૈ કે કૈસે
नहीं लेकिन आपने क्या उसमें सुना, क्या आपको समझ, आपको क्या समझ में आया वो बताओ, फिर उसका वो अंदर थोड़ा डाल देंगे। अच्छा वो गुजराती में था ना तो इसलिए तो थोड़ा मुश्किल है समझाना। लेकिन आपको क्या समझ में आया वो तो बोलो। अब बिल्कुल समझ में नहीं आया ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। लगाम छोड़ो उसको मालूम, बता मालूम क्या बोलते हैं लगाम, लगाम छोड़वाना, लगाम वो भी मेरे को लगाम भी छोड़ना मतलब कि क्या कि हर एक चीज का। एक मिनट उनको इनको बता देने दो, एचके बताइए आप। हसमुखानंद जी तो के दादा भगवान ने ये लगाम छोड़ने का, हाँ किसकी लगाम पकड़ी है, किस कौन सी लगाम छोड़नी है। तो के हमारा जो जीवन है वो पूरा हमने ये बुद्धि की लगाम पकड़ा हुआ है, बराबर है। तो लगाम छोड़ देने के एक दिन के लिए क्या करने के वो प्रयोग दिखाया था कि ऐसे करोगे तो क्या अब तक अपने पूरा जो जीवन है अपना वो किसके आधार पे चलते है। तो भाई रिलेटिव में ये जो जीवन पूरा है वो बुद्धि के आधार पे चलते है, किसके आधार पे, बुद्धि के उपयोग से चलती है। तो वो बुद्धि का उपयोग कम करने के लिए कि दादा भगवान ने एक सिंपल प्रयोग बताया था कि आप एक दिन के लिए एक दिन बुद्धि के लगाम छोड़ दो। बुद्धि के लगाम छोड़ दो मतलब क्या है, तो के जैसे वो छोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, तो पहले एक दिन के लिए आप नक्की करो कि आज मेरे को किसी और के कहे के मुजब चलना है, बराबर है। आपको कोई बोले कि आप खड़े हो जाओ, आपको खड़े हो जाने का है, उसमें ये दिमाग यूज करने का नहीं। वो ऐसा क्यों बताया, तो क्या अपने को सबसे ज्यादा परेशान करता है कौन है, तो क्या माइंड सबसे ज्यादा परेशान करता है, बुद्धि। दादा भगवान ने क्या बोला था, तो क्या बुद्धि का उपयोग कितना होना चाहिए, तो क्या अपने वो गाड़ी लेके जाते हैं ना अहमदाबाद से गाड़ी लेके निकले तो अपने को कहाँ तक देखने का है, तो क्या वो 4-5 फुट दिखे उतना ही गाड़ी चला के टाइम दिखने का है, कि भाई बड़ोड़ा थोड़े दिखने का है। तो बुद्धि क्या दिखाते हैं अपने, भाई बड़ोड़ा जाऊंगा तो ऐसा रास्ता मिलेगा, यही रास्ता मिलेगा, लेकिन बुद्धि वो दिखाती है। और अपने को दिखने का कितना होता है गाड़ी चलाते टाइम, तो क्या थोड़ा ही आगे दिखे उतना ही, तो मतलब उतना ही देखने का। वो जैसे जैसे वो प्रयोग होते जाएगा बुद्धि को लगाम छोड़ने का, वैसे वैसे उसका उपयोग कम होता जाएगा और अपने को अंदर आत्मा का सुख बढ़ता जाएगा, ऐसा समझ रहा है। दीपकानंद जी आगा। अभी देखो बुद्धि का विशेष प्रयोग क्या होता है कि जो मैं करता हूं वो सही है और जो लोग करते हैं वो गलत है। आप समझ में आया, तो ये जो सारा व्यवहार तृप्ता बेन के साथ चल रहा है, हाँ जी, वो आप चलाते हैं? नहीं। दादा भगवान चलाते हैं? नहीं, व्यवस्थित शक्ति यानी कुदरत चलाती है। हाँ जी। कुदरत ऐसा क्यों चलाती है? हमारे पुराने कर्मों के हिसाब से। हमारे जब कर्म बोलते हैं यानी किसके कर्म? तृप्ता के। आप कौन है? शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा, तो देखो हम जागृत नहीं रहते। जब आप बोलेंगे कि मेरे कर्म, तो आपको क्या साइकोलॉजी होती है? वो तृप्ता और भार लगता है, भार लगता है कि हल्का लगता है? हाँ जी, भार लगता है कि हल्का लगता है? जब आप बोलते हैं कि मेरे कर्म करके बोलते हैं तो उसका भार लगता है कि हल्का लगता है? बहुत भार लगता है। हाँ, और आप कौन है? शुद्ध आत्मा। उसका हाँ। कितना भार है? बिल्कुल नहीं, उसमें तो अभी बस से, अभी से बोलना तृप्ता का कर्म, कर्म तृप्ता का कर्म। हाँ जी, आप समझे? हाँ जी। हाँ, तो ये जो उनको करवाता है उसमें आप यानी कौन? शुद्ध आत्मा। हाँ, शुद्धात्मा, लेकिन कौन शुद्धात्मा? अंतरात्मा वाला शुद्धात्मा की मूल शुद्धात्मा? अंतरात्मा वाला शुद्धात्मा। हाँ, हमारी भूमिका आज अंतरात्मा की है वो पक्का कर लेना है।
वो मूल शुद्धात्मा कहीं दखा दखल करता ही नहीं है, कहीं हाथ डालता ही नहीं है, आप समझिए। लेकिन ये जो बीच वाला जो है अंतरात्मा दशा को प्राप्त किए प्रकट हुए जो हम है, वो अपना विवेक भूल जाता है और वो कुदरत की लगाम हाथ में ले लेता है। अच्छा अच्छा लगता है वो अच्छा अच्छा है, और बुरा बुरा लगता है वो बुरा है, लोगों को भी बुरा बता देता है। तो लगाम छोड़ने का मतलब क्या है कि आप शुद्धात्मा में जो आपको बिठाया है तो वो सीट के ऊपर से उठना ही नहीं है, और वो प्रयोग आप एक औपचारिकता से करो। और वो प्रयोग ढंग से होने के लिए 12 घंटे खाने का नहीं पहले। अच्छा, कभी खाने का नहीं बोले ना तो अंदर दिमाग और चले जाता है। शाम को 6 बजे खाने के बाद सुबह उठते वक्त आप कुछ खाते हैं? नहीं। हाँ, तो वो 12 घंटे का उपवास हो ही गया आपका। हो ही गया, हाँ जी। हाँ, तो अभी उपवास करने का नहीं है, वो हो जाता है। हाँ जी। तो बस 6 बजे नेक्स्ट डे 6 बजे है ना, बैठ जाओ। हाँ जी। अनदर 24 आवर्स फॉर अनदर 24 यानी 12 आवर्स का भूखा तो आप हो ही गए। शाम को 6 फ्राइडे 6 बजे आपने खाना खाया था तो सुबह 6 बजे सैटरडे को ये विधि शुरू करो देखने की और बैठ जाओ। शुद्धात्मा में बैठ जाओ और तृप्ता जी को सोने नहीं देना है। अच्छा, नींद आती है तो बिठा दो उनको। ओके। कर सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बेटे बेटे कमर रह गई तो उठ उठ जाने का थोड़ा, लेकिन ज्यादा घूमने का नहीं, बस उठो फिर से बैठ जाओ। अच्छा। लेटने का छूट है लेकिन सोने का छूट नहीं है। हाँ जी। और देखते रहो, क्या देखना है? 5 इंद्रिय 5 senses है ना, उसमें जब आता रहेगा मन में चलता रहेगा। हाँ जी। कुछ आवाज आएगा तो वो क्या आवाज है वो नहीं ढूंढने जाना है। आवाज आया, अरे कुछ आवाज आ रहा है। आंखों से खुली आंख तो करनी नहीं है, आंखें बंद ही रखनी है, तो आंखें से देखने का कोई गुंजाइश ही खड़ी नहीं होती है, लेकिन सूंघने का कुछ हो सकता है। कुछ बू आ सकती है, बदबू आ सकती है, लेकिन वो जानने का कि किसी कोई कोई बदबू आ रही है, बस आप जानने वाले हैं। कोई उसका कोई प्रतिभाव देना नहीं है, नाक नहीं बंद करने का है कि अरे अच्छी सुगंध आई, ऐसा नहीं करना है। आप अच्छा। समझे? हाँ जी, हाँ जी। जैसे जानना है ना वैसे ही जानते रहना है। आप समझे? हाँ जी। अरे बहुत गर्मी लग रही है, लाइट चली गई तो वो गर्मी को देखना है। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, ऐसा कुछ अंदर नहीं करना है। हाँ जी। और ज्यादा ठंडा हो गया तो कुछ नहीं करना है, बस देखना ही है क्या होता है वो। खाने का तो ताला लगा दिया है ना। हाँ जी। तो प्रश्न नहीं है, खाने का नहीं है नेक्स्ट 24 आवर्स। हाँ जी। लेकिन ये मन प्रवृत्त होगा तो मन को भी देखना है, कैसे विचार आए, ऐसे विचार गए। क्रिया तो कोई करनी नहीं है, और अगर ऐसा बनता है कि बाथरूम जाना है तो जा, लेकिन आपने 12 घंटे के बाद जो पहले बार आप गए और फिर कुछ भी खाना नहीं खाया तो उसकी गुंजाइश नहीं रहेगी। हाँ जी। तो 24 आवर्स का ये जो प्रयोग है ना देखने का, कि आप ये देखो, 5 इंद्रियों को देखो, 5 कर्मेंद्रिय यानी जिससे क्रिया होती है वो तो बंद है। यू आर सिटिंग स्टिल, तो प्रैक्टिकली कोई एक्टिविटी नहीं है, तो कर्मेंद्रिय बंद है। एक ज्ञानेंद्रिय और मन प्रवृत्त रहता है, उसको हमें देखना है कि इसका विचार आया। विचारों में उलझना नहीं है। उलझने की बात समझते हैं ना कि अरे तो क्या होगा, फिर बुद्धि कुछ बताएगा,
जैसा होगा वो चित बताएगा, लेकिन वो सबको देखने का है बस। वो ज्यादा आप देखेंगे उसको ध्यान नहीं देंगे ना तो वो ज्यादा विचलित नहीं होगा, वो देखा आके चले जाएगा। इस तरह से देखेंगे, यानी ये प्रयोग है और वो प्रयोग का प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये बैठकर देखने की बात है। हाँ जी, प्रैक्टिकल संडे के दिन ऐसा रखो कि नॉर्मली तो विनोद जी के साथ अभी कहाँ है आप, पिचबग में है कि बच्चे के साथ? पिचबग आ गए, आ गए पिचबग। हाँ, आ गए ना, तो वो विनोद जी के साथ है आप? हाँ जी। तो विनोद जी जो कहे जो करवाए वो व्यवस्थित का ऑर्डर है करके कोई सही गलत का जजमेंट देना नहीं है। हाँ जी। वो जो कहते हैं करने को बोलते हैं आपको करते रहना है, तो आपको व्यवस्थित का डिजाइन पता चलेगा कि अगर एक दिन मेरे डखा डखल किए बगैर अच्छा चलता है तो हर रोज भी ऐसा चल सकता है। ये जो बैठकर प्रयोग करना होता है और यहाँ संडे के दिन प्रैक्टिकल करना है, ये जो व्यवस्थित करवाता है यू बी पार्ट ऑफ इट, आप समझे? वो पूछा कि आज ऐसा बनाना है, खाना बनाना है, तो आपको कोई विकल्प नहीं करना है, उसके लिए क्या करना जरूरी है वो आपको दिमाग बताएगा। ऑर्डर हैज कम फ्रॉम योर रिलेटिव दादा। हु इज योर रिलेटिव दादा? शरीर तृप्ता, ब्रेन। थोड़ा रिलेटिव दादा यानी कौन? विनोद जी ये तो भूल जाते हैं, उनको दादा देखते नहीं है उनके अंदर, इसीलिए सब झंझट होती है ना। तो रिलेटिव दादा का ऑर्डर यानी व्यवस्थित का ऑर्डर, वो जो करवाए जो करने का है आपको करना है उस दिन। वो दादा भगवान अगर आपको बोले तो आप खुश हो जाते हैं ना, अरे दादा ने कहा मुझे बनाने को तो मैं तो बनाऊंगी। वो रात को 2 बजे भी मॉल में जाके, मॉल में नहीं वहां क्या होता है वो क्या आपका वो होता है वो ग्रोसरी शॉप में जाके वो 24 आवर वाली होती है ना, वो बोले नहीं, वो 12 किलोमीटर माइल दूर जाना, तो वो भी जाके लेके आएंगे। आप समझे? हाँ जी। उसको व्यवस्थित का ऑर्डर समझ के करेंगे तो आपको थकावट नहीं होगी, बिल्कुल अंदर असर नहीं होगी, और सारे दिन व्यवस्थित के चलाए तृप्ता बहन चलेंगी और आप शुद्धात्मा में रहकर उनको हेल्प करते रहेंगे। वो जहां भी थोड़ी कमजोर पड़ जाते हैं, जरा अंदर विकल्प करते हैं, तो वहां आपको सपोर्ट करना है, उनको सप्लीमेंट करना है, ज्ञान से समाधान देना है, तो वो लगाम पकड़ेंगे। लगाम किसकी पकड़नी है या किसकी पकड़ते हैं? अपनी पकड़ लेते हैं, व्यवस्थित की पकड़ लेते हैं। व्यवस्थित का जो ऑर्डर है उसको फॉलो करने का यानी लगाम छोड़ दी। ऐसा दादाजी ने बताया कि एक दिन एग्जैक्ट कर पाएंगे ना तो आपका हर रोज ऐसा जाएगा। अच्छा, लगाम छोड़ देने का मतलब क्रिया जो है हकीकत में सभी की क्रिया कुदरत के हाथ में है, इसीलिए ये तृप्ता बहन के अंदर चेतन है, तृप्ता बहन के अंदर चेतन है कि आपके अंदर चेतन है? मेरे अंदर चेतन है। हाँ, आपके अंदर चेतन है, तृप्ता बहन में चेतन नहीं है, तृप्ता बहन तो वो बैटरी वाला पुतला है। हाँ जी। जो व्यवस्थित शक्ति चलाता है, ठीक है। तो वो सभी की क्रिया ऐसी है लेकिन सभी के पास ये ज्ञान नहीं है, इसलिए वो डखा डकल करते ही रहते हैं, कुदरत में डखा डकल करते रहते, इसीलिए उसको धक्का लगता रहता है और वो जन्म मरण के फेरे में आते रहते हैं। अभी हमें जो ज्ञान मिला है उससे हमें क्रिया से मुक्त कर दिया है, सारी क्रियाएं मन वचन काया बुद्धि चित अहंकार, क्या बच रहा, बच गया अभी क्या बच गया? शुद्धात्मा। हाँ, और वो मैं हूँ, और वो मैं हूँ। तो ये मन वचन काया बुद्धि चित्त अहंकार को जो व्यवस्थित शक्ति चलाती है वो जैसे चलाए वैसे, वो ऊपर का ऑर्डर है,
हम सब रंगमंच की करतूत लिया जिनकी डोर ऊपर वाले के हाथ में बदली है, पता है ना वो डायलॉग भूल गए कि है? हाँ जी सब समझ गए। तो वो देखो वो ऑर्डर क्या आता है, कोई तो आपने लगाम छोड़ दी, लगाम छोड़ देंगे तो आप देखने में रहेंगे कि व्यवस्थित शक्ति कुदरत हमें आपको क्या क्या करवाती है। लेकिन हम हमें हमें बोलने की इतनी आदत पड़ गई है ना, हमें यानी हम अंदर आ जाते हैं। हाँ जी, तो इसीलिए वहां बोलने का कि त्रिप्तामेन, आप समझे नामदारी को त्रिप्तामेन को, तो उनको जो चलाती है व्यवस्थित शक्ति उसको देखना है हमें। हाँ जी, तो पता चलेगा कि व्यवस्थित सब व्यवस्थित ही रखता है जैसे दादा भगवान ने बताया, लेकिन हमारा डखा होने से वो अव्यवस्थित हो जाता है। अभी ज्ञान से हम डखा करते नहीं है, कुछ लोगों का अहंकार होता है तो हिलाते भी है, लेकिन हम क्या अंदर से करते पता है, ये गलत है ये सही है, वो सब हमारे अंदर डखा चलता रहता है। इसीलिए सही गलत के परिणामों में हम उलझते रहते हैं और देखने का चूक जाते हैं। क्या देखने का, पहली बात कि मैं शुद्धात्मा हूं और वो भी शुद्धात्मा है, आपको सारा ज्ञान विनोद जी खुला कर सकते हैं, आपके लिए वो रिलेटिव दादा ही है समझ लो, क्योंकि सबसे झगड़ा ज्यादा झगड़ा उनसे होगा कि नहीं, दुनिया बोलेंगे कि बाढ़ में गई, ऐसा बोलेंगे कि नहीं, बोलिए ना। हाँ जी, और अगर विनोद जी के साथ अगर ये सेटिंग हो गया तो आपका तो काम ही हो गया ना। जो मिल जाएगा है, जो कंप्लेन है, जो झगड़ा है, जो गुंजाइश है, जो चक्कर है, जो पजल है, जो झगड़ा है, जो सब कुछ विनोद जी के साथ ही है ना, आप सोचो, आप समझे। हाँ जी, वो जो आपका सेंटर है ना, रिलेटिव सेंटर, रियल सेंटर दादा है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन रिलेटिव सेंटर विनोद जी है ना, वो एक्सेप्ट नहीं होता है। और विनोद जी यानी व्यवस्थित हो जाएगा आपको, फिर हाँ जी, फिर देखो क्या मजा आएगी। हाँ जी, क्योंकि वो बोलते नहीं है, वो व्यवस्थित शक्ति उनको बुलवाती है। आप समझ गए। हाँ जी, तो भी तो आप तो टीचर ऐसा बोला है ना, टीचर शिक्षक को कमजोर मत समझो, वो सारा विश्व में उथल पाथल कर सकते हैं, उथल पुथल कर सकते हैं, समझ गए। तो उसके एनालिसिस करो, अभी रिसर्च करो, अभी तो रिटायर हो गए ना आप तो। हाँ, रिटायर हो गए। तो अभी 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 सही रिसर्च होगी, समझ गए आप। हाँ, बिल्कुल समझ गए। तो लगाम छोड़ने का, तो आप दादा भगवान स्वरूप प्रकट हुए है, आपको उसका अनुभव होते जाएगा, यानी उसे प्रत्यक्षता बोलते हैं, प्रकट हुआ है और आप होते जाएंगे, एहसास करेंगे, अनुभव करेंगे, और वो अनुभव आपके अंदर हो गया तो सभी के अंदर वही है। और ये कुदरत चलाती रहती है दुनिया को, लेकिन हम निकल गए तो हम मुक्त हो जाएंगे। मूल मुक्ति हो गई यानी प्रिंसिपली मुक्त हो गए, अब तृप्ता बहन को ठीक कर देंगे तो व्यवहार से भी हम मुक्त हो जाएंगे। और ये यात्रा लंबी नहीं है, बहुत शॉर्ट यात्रा है, और ये यात्रा बहुत रोमांचक है, चैलेंजिंग है, फाइट अपने ही कमजोरियों से करना है, किसी और से नहीं करनी है, ये बात चलती रहेगी, यहाँ रुकावट हम रोक देते हैं ब्रेक के बाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हसमुखानंद जी त्रिमंत्र बुलाए, त्रिप्ता जी फॉलो करिएगा। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वित्रागाय। नमो वित्रागाय। नमो अरिहंतानम। नमो अरिहंतानम। नमो सिद्धानम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियानम। नमो आयरियानम। नमो वज्रायानम। नमो उवजायानम। नमो लोए सव साहुनम। नमो लोए सव साहुनम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव पावक पणासनो।
तव पाव पनासनो मंगलानं च सव्वेसिम मंगलानं च सव्वेसिम पद्मं हवै मंगलम पद्मं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। कल का प्रोग्राम, कल शुक्रवार है, सुबह 6:30 बजे प्रातः विधि, 10:15 बजे गुजराती सत्संग, 3 बजे हिंदी सत्संग, 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्डवाइड सत्संग और एक और अनुभव सुनने के लिए पधारिएगा जरूर से। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। सारा हिंदी में बता दिया। थैंक यू स्वामी जी, बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। यही सच्ची दादाजी की समझ ऐसी है। हाँ जी सच्ची। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सर्वे महात्मा। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद।